There is a list of 98. Those who want to speak. 98. The house consists of 543. Sri C.R. Patil. बोलने के लिए जो चांस दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपने जो कहा है उसका बिल्कुल पालन करूंगा। और मैं कहना चाहता कि हमें बहुत उम्मीद थी इस बार कि इस बार जो रेल मंत्री थे वो मूल गुजरात के थे। अभी तक कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, पर कभी भी आज तक कोई गुजरात से कोई रेल मंत्री नहीं होने की वजह से हमें बहुत अन्याय हुआ। अन्याय शब्द बहुत घिसा पीटा हो गया है। मुझे लगता है कि गुजरात को मजाक के रूप में लिया जाता है, गुजरात के साथ मजाक किया जाता है। मगर कई बार मैंने देखा कि रेल मंत्री कोई सीएम बन जाता है, नीतीश कुमार बन गए, ममता जी बन गए, और कभी वो रेल में से आने से वो डीरेल हो जाते हैं। लालू जी डीरेल हो गए, दिनेश जी डीरेल हो गए। तो ये जो रेल मंत्रालय है बहुत अटपटा सा मंत्रालय लगता है। अभी तो आने वाले दिनों में कोई रेल मंत्रालय लेने के लिए भी शायद तैयार नहीं हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं गुजरात के जो दो रेल मंत्री इस बार थे, हमारे एमओएस जी भरत सिंह जी भी इस बार रेल मंत्री थे, हमने लास्ट बार उसको पूछा था कि आपने गुजरात के लिए कुछ किया नहीं, बोले आपको पता है ममता जी किसी का सुनती नहीं है। हमने मान लिया, हमने दया किया कि सही बात है। गुजरात के लोगों को लगा कि भाई भरत सिंह जी सोबर आदमी है, उनका नहीं माना होगा इसके लिए जी। फिर उन्होंने इस बार तो कहा था कि इस बार तो हम दोनों गुजरात के हैं, इस बार पक्का गुजरात को न्याय मिल जाएगा। मगर अभी हमको क्या जवाब देंगे, इस बार भी भरत सिंह जी का, दिनेश जी का कोई ध्यान गुजरात के ऊपर गया नहीं, या उनका वहां भी चला नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मगर जो हुआ, जो इज्जत पास के बाद जो थी, अभी हमारे बुजुर्ग जो हमारे जो विवाही है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में से है, मेरी लड़की जब ब्याही है वहां से है वो, इसके लिए मैं उनको भी ब्याही कहता हूँ। तो हम साथ में रहते हैं, उनके मन में कितनी पीड़ा है हमें मालूम है, मगर यहाँ बोल नहीं सकते हैं, मर्यादा है उनकी, वो बहुत त्रस्त हो गए हैं। मगर जो इज्जत पास की बात की साथ पूरे देश में, गावित जी के बारे में बोल रहे हैं, गावित जी के बारे में बोल रहे हैं, मेरा जो ब्याही है उनके बिल्कुल नजदीक में, वो भी कांग्रेस में है। तो 10,000 इज्जत पास मैंने वहां पर इश्यू करवाए थे सर्टिफिकेट उसके लिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा इज्जत पास मेरे एरिया में हमने इश्यू किए हैं। उसका मतलब यह होता है कि सबसे ज्यादा लोग, लाखों लोग वहां ट्रेन में अप डाउन करते हैं, और जो उसमें से जो गरीब है 1500 से कम, जो कम पाते हैं उनके लिए हमने वहां सर्टिफिकेट इश्यू किए, और बहुत खुश है वो लोग। मगर हमको लगा था कि इस बार और कोई ज्यादा अच्छा उसके लिए कोई न्याय आएगा, वो सिर्फ किलोमीटर बढ़ा दिया। मगर किलोमीटर अगर बढ़ता है तो गुजरात के बाहर चला जाता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए वो शायद और कोई योजना बनानी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि हो नहीं पाई है। मैं तो मेरे एरिया के ऊपर जाता हूं, मगर जो उन्होंने बात किया था कि उधना जलगांव, ये उधना मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है और जलगांव मेरा वो डिस्ट्रिक्ट है। पाटिल साहब जी, वो तो गुजरात वाले राज्य मंत्री बैठे हुए नहीं है, नहीं है इसके लिए चले गए, वो बैठ नहीं सकते। उनको लगता है कि मैं क्या मुंह बताऊंगा जब गुजरात में जाकर, भरत सिंह जी नहीं है। उनको कहना चाहिए कि मुनियप्पा जी से सीखें कि राज्य मंत्री होने के बाद भी काम कैसे नहीं, हमारा काम मुनियप्पा से ही होता है, क्योंकि वो साउथ गुजरात उनके पास है, और वो दो बार तो गुजरात में आके भी गए हैं, और वो सुनते हैं जो भी राजे जी बता रहे थे कि मुनियप्पा जी सुनते हैं, होता नहीं होता कम ज्यादा होता है, कोशिश भी वो करते हैं। हमने एक आंदोलन किया था, 1,40,000 लोग पूरे रोड पे ट्रैक पे बैठ गए थे, और वहां पर उस दिन हमें 16 डिमांड एक दिन में रेलवे ने पहली बार लिखकर हमें मंजूर करके दी थी। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 16 डिमांड एक दिन में मंजूर हो गई। उसमें से कई बात हुई, कई नहीं हो रही है, हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि मुनियप्पा जी है तो बक्का वो पूरी कोशिश वो करते हैं, हम उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं। हमारी जो डिमांड है मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। हमने जो ट्रेनें हमारी यहाँ चलती है, हमारे यहाँ यूपी और बिहार के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से मंत्री भी आ गए। सूरत में जो लाखों यूपी और बिहार के लोग हैं, झारखंड के हैं, पूरे एरिया के हैं, उनके लिए आज तक एक ही ट्रेन चलती है, और राधे जी ने बोला कि वो ट्रेन छापरा तक बढ़ा दी, उन्हें बहुत संतोष हो गया। मुझे लगता है कि इसमें संतोष की क्या बात है, यहाँ तो किसी को सुविधा हुई नहीं। हमारे यहाँ जो कांग्रेस के मित्र है वहां के, उन्होंने जिस दिन बजट आया उस दिन फटाके लाके रखे थे, क्योंकि भरत सिंह जी ने उनको बोला था कि इस बार तो
हम बहुत अच्छी ट्रेन दे देंगे। वहां कुछ लोग इकट्ठे हो गए, फटाके फटाके जला दिए, बोले हमें तो 12 ट्रेन गुजरात को मिल गई। और बाद में जब पता चला तो लोगों ने उनको घेर लिया कि भाई क्या हुआ ट्रेन का, हमें जो ट्रेन का लिस्ट है, हमें जितनी ट्रेन दी है अहमदाबाद से अजमेर, पोरबंदर से सिकंदराबाद, गांधीधाम से बांद्रा, मालदा से सूरत, बांद्रा से भुज, कोयम्बतूर से बीकानेर और बांद्रा से दिल्ली, कितनी ट्रेन, 7 ट्रेन सूरत से जा रही है। और हम तो बहुत खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हमें वो डिटेल में पता चला कि 7 ट्रेन में जब वो बैंक में लिखते हैं ना हिडन चार्जेस, पैसा इस पे लिखा था, साप्ताहिक ट्रेन हफ्ते में एक बार चलेगी और कब शुरू होगी उसका कोई पता नहीं है। पूरे शहर के लोग जब उन्होंने घेर लिया कि सप्ताह में एक दिन चलने वाली ट्रेन के अंदर कोटा कितना है, सूरत का 2 या 4 सीट का कोटा होगा, इससे सूरत जो इतना बढ़ रहा है पूरे विश्व में 4थे नंबर पे उसका प्रोग्रेस चल रहा है और उसके लिए हम साप्ताहिक ट्रेन देते हैं जो वहां से पसार हो रही है, ये मजाक है। हम अन्य शब्द छोटा लगता है हमको और इसके लिए मैं मुनियप्पा जी से कहूंगा कि सूरत से यूपी बिहार के लिए हमें और एक ट्रेन दे दीजिए, कम से कम उससे सूरत से यूपी तक जाने के लिए और आने वाले के लिए एक सुविधा हो जाएगी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा मगर जो लोकल ट्रेन चलती है उसमें हमको 12 से 15 कोच देते हैं और जब कोई किसी को स्पेशल ट्रेन मांगते हैं हर ट्रेन में से 200 डिब्बा काट लेते हैं। यहाँ जो मैंने अभी लास्ट वीक में मैंने रेलवे को चेतावनी दिया था कि अभी अगर हमारे कोच काटे गए और बढ़ाए नहीं जाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। हमने आगे भी जो आंदोलन किया था, हमने 4 घंटे पूरी ट्रेन का ट्रैक रोक दिया था। हम इस बार पूरा दिन एक भी ट्रेन वहां से जाने नहीं देंगे। हम मुनियप्पा साहब के सामने कहते हैं, उनको पता है उस टाइम वो रेल मंत्री वहां थे, उनको पता है कि वहां के जो असंतोष है, क्योंकि लोग जो आने वाले जो काम करने वाले लोग हैं लोकल, वो डिब्बे के ऊपर से आते हैं, कोच के बीच में बैठे हैं, वो दरवाजे पर तो जाते हैं हमारे खिड़की के ऊपर भी लटक के जाते हैं। इसमें कई हादसे होते हैं, कई युवा जो प्रवासी होते हैं जो काम पर आने वाले मर जाते हैं और कुटुंब का सहारा उसके अंदर चला जाता है। मैं विनती करूंगा, हाँ वो बापू ग्राम गांधीनगर उसको भी तो डेली कर दीजिए, मगर ये ट्रेन के अंदर आप कोच बढ़ाइए और हमें प्रॉमिस कीजिए मुनियप्पा साहब कि आप कितने दिन में कोच बढ़ाएंगे और इसमें से कोई कोच आप काटेंगे नहीं, कम से कम 2-2, 3-3 कोच बढ़ाएंगे तो भी हमें थोड़ा संतोष हो जाएगा। जी सर जल्दी से कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बहुत बड़ी घोषणा ममता जी ने की थी लास्ट बजट के टाइम, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा सॉरी उस पर कुछ हुआ नहीं है आज तक, उसके बारे में बाद में किसी ने उसको छेड़ा ही नहीं। आदर्श और मॉडल स्टेशन ये सभी घोषणाएं रह गई है। जो उधना सैटेलाइट स्टेशन है, उधना स्टेशन है, उसको सैटेलाइट स्टेशन के लिए हमने डिमांड की है। अभी हमारे जो दादा है उन्होंने कहा कि उसको आदर्श स्टेशन बनाओ, अरे साहब वो आदर्श नहीं, उसको सैटेलाइट स्टेशन बनाने की जरूरत है। अभी इस बार कहा वहाँ सूरत स्टेशन पर जब ये कार्यक्रम के बाद बजट में कि जो जलगांव उधना डबल लाइन का काम इस साल में पूरा कर दिया जाएगा। प्लीज प्लीज, पहले इसमें 70 करोड़ वो कुछ एक पैसा खर्च नहीं हुआ, दूसरे साल में 14 करोड़ वो 14 करोड़, दूसरे साल में, तीसरे साल में 30 करोड़ रुपया, 715 से 1015 करोड़ का बजट हो गया और उसमें काम कुछ हुआ नहीं। धन्यवाद, बोला इस बार इस साल में पूरा कर देंगे, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। धन्यवाद, तो एक ही मिनट में आप बहुत मनोरंजक ढंग से बोल रहे हैं लेकिन मेरे पास समय की कमी है। ये जो स्टेशन है मुनियप्पा साहब वहाँ पर कुछ स्टॉपेज मांगी है, मैंने अलग से आपको पत्र लिखा है, या समय की मर्यादा है इसके लिए उस स्टेशन और ट्रेन की मैं बात यहाँ नहीं करता हूँ। मैं आपको रूबरू में भी बताया था और आपने कहा था कि हम कुछ करेंगे, नवसारी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका प्रोग्रेस हुआ है, तो कुछ ट्रेनें उसके अंदर रुकने के लिए आप कर दीजिए। और जो दिल्ली से गोवा जो राजधानी चलती है सूरत से जाती है उसमें अगर 4 सीट का कोटा देकर उसको 2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए, हमें नई ट्रेन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जगदीश शर्मा जी का आपने मौका रखा और मुनियप्पा साहब ने हमारे बात लिख ली है, उसके लिए उनका भी मैं पहले से आभार व्यक्त कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी डिमांडो मान लेंगे। धन्यवाद साहब। श्री जगदीश।